हेलो दोस्तों, आसमा किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पनीर। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मसालों में हमने लिया है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच मिर्च पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच मीट मसाला, तीन चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा धनिया, दो मीडियम प्याज कटा हुआ, दो मीडियम टमाटर कटा हुआ, एक पाव हरा मटर। हमने 500 ग्राम पनीर लिया है, उसे तेज आंच पे फ्राई कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं अब मटर पनीर बनाना। कढ़ाई में 100 ग्राम तेल डाल लेंगे सरसों का। अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल दें। प्याज को ब्राउन होने तक पकाएं। प्याज ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर डालकर चला दें। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट, मीट मसाला, गरम मसाला डाल देंगे। इसको धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक भूनें। अब इसमें एक छोटा कप पानी डाल के चला लें। मसाले को तेल छोड़ने तक अच्छी तरह से खूब भूनें। आंच मीडियम ही रखें। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। फिर कटे हुए टमाटर डालकर चला देंगे। टमाटर गलने तक पकाएं। अब मटर पनीर डालकर चला देंगे। अब इसे तेल छोड़ने तक भूने। हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसमें 250 ml पानी डाल दें। अब इसको ढककर धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकाएं।
की मटर पनीर सब्जी तैयार। ऐसे ही स्वादिष्ट रेसिपी के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।